हेलो फ्रेंड्स, मई 3091 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के सीरीज नंबर 4 को। इसके पहले हम लोगों ने 3 पार्ट में बायोलॉजी के बहुत सारे प्रश्नों को हल किया था और काफी दिन से सीरीज रुकी पड़ी थी। और मैंने आपको बताया भी था कि मैं अपने सेंटर पे नहीं था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई। लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि आपको ये बायोलॉजी सीरीज डेली टू डेली मिलती रहे, ठीक है। और ये जो डेली डोज चल रहा है, रोज एक गोली शाम को, ये आपको मैं देता रहूंगा ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आपके हल हो सके। तो देखते हैं कि आज के लिए कौन कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के बाद तो आपको लगा ही होगा कि नहीं, बहुत अच्छी चीज हम लोग कवर कर रहे हैं। और हाँ, मेरा फोकस अब सब्जेक्टिव चीजों पर भी रहेगा। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, बट मैं ध्यान दूंगा, ठीक है। अकेले होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी चीजें सही है। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। पहला प्रश्न दे रहा है कि एक उत्पादक, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाला उपयुक्त आहार श्रृंखला क्या है? उपयुक्त आहार श्रृंखला क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह के प्रश्न जब भी बनते हैं एग्जाम में ना, तो सोचा करिए। देखिए, यहाँ पूछ क्या रहा है आपसे, सिंपल सी एक चीज पूछ रहा है। फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूँ प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न बोल रहा है कि हमको दिखाना है कि एक उत्पादक है, एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। तो इसको हम लोग बोलते हैं जीवन चक्र। क्या बोलते हैं? जीवन चक्र। जीवन चक्र में दोस्तों आप सभी को पता होता है कि ये जो प्रकृति है, इसने ऐसी चीजों को बनाया है। जैसे क्या? अगर हम बात करें वनस्पति की, तो वनस्पति को बनाया, तो मान लीजिए वनस्पति में पेड़ पौधे हो गए, वृक्ष हो गए, ठीक है, फसल वगैरह हो गए। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पर शाकाहारी जंतुओं को भी बनाया, जैसे खरगोश हो गए, जैसे मानव हो गए। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, ये इसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। और इन शाकाहारी जंतुओं को भी डाइजेस्ट करने के लिए एक मांसाहारी जंतु को भी बनाया, ठीक है। तो मांसाहारी जंतु क्या करता है, इस शाकाहारी चीज को, मतलब जो जंतु खा रहा था उस जंतु को वह खा जाता है। तो इस तरह से काल चक्र बिल्कुल चलता रहता है, ठीक है। और उसी को यहाँ पे आपको बताना। तो देखिए, पादप, खरगोश और बाघ, ठीक है, ये उस काल चक्र को डिनोट करते हैं, इसी वजह से इनको यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अभी तो आपको याद रहेगा ना इन सारी चीजों के बारे में, याद रखिएगा। ये नॉर्मल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न दे रहा है, प्राकृतिक जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरकों से अधिक अच्छे पाए जाते हैं, इसका क्या कारण है? ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है और आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जैव उर्वरक माने क्या होता है? ऐसे उर्वरक जो जैविक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जो जैविक पदार्थों से बनाए जाते हैं। आज तक अभी आपको पता होगा कि भारतीय रेलवे ने क्या किया कि अपने जितने भी टॉयलेट थे ना, उनको बायोडिग्रेडेबल बना दिया, ठीक है। अब उसको सेव करके वो जो मलमूत्र होते थे, वो सड़क के, मतलब रेल की पटरियों पे नहीं जाते हैं, उनको रोक करके उनसे खाद वगैरह भी बनाई जाती है या गैस वगैरह भी बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो बायोडिग्रेडेबल हो गए। तो यहाँ पे हमको देखिए वो चीज़, मैं थोड़ा सा आपको अलग चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जैविक विधि से जिस खाद का निर्माण किया जाता है, जैसे कंपोस्ट का नाम सुना आपने, गाय के गोबर को खेतों में एक कंपोस्ट के रूप में बनाते हैं, फिर उससे जब वो खाद तैयार होती है तो उसको ले जाके खेत में डालते हैं। तो वो सब क्या होती है, जैविक खाद होते हैं, जैविक रासायनिक उर्वरक होते हैं। तो ये कहीं ज्यादा फायदेमंद है किससे, रासायनिक उर्वरकों से। आजकल फसलों को रासायनिक उर्वरक ज्यादा दिए जा रहे हैं और उसी की वजह से बहुत सारे हम लोग क्या कर रहे हैं, रोगों को भी न्योता देते चले आ रहे हैं। तो हमें जो है रासायनिक उर्वरक पे भरोसा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, जैव उर्वरक पे ज्यादा भरोसा रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा फ्लुएंट गड़बड़ हो गया था, इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे दे रहा है, एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है? एमनियोसेंटेसिस किसकी विधि का नाम है, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये है क्या चीज। देखिए, स्पेशली ये जो है तब ट्राई किया जाता है जब कोई महिला गर्भवती होती है, ठीक है, क्योंकि गर्भ के समय शिशु की स्थिति कैसी है वो जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। और ये इतना एडवांस विधि है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जब बच्चा पेट में होता है ना, बिल्कुल समझ लो कि जब वो 10 12 15 दिन का होता है, उस समय से भी ये जांच शुरू की जा सकती है, ठीक है। बहुत ही वैसे नॉर्मल हर स्त्रियों के लिए अलाउड नहीं होता है, जहाँ जरूरत डॉक्टर समझ में आती है वहीं पे ये चीज़ वो डॉक्टर लिख के देते हैं। खासकर इसी के द्वारा हम, मैं आपको बता दूं कि जो भ्रूण परीक्षण होता था ना, अभी रोक दिया गया है। कोई भी हॉस्पिटल जो है भ्रूण परीक्षण नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को इसमें जो है लोगों ने बच्चा गिरा दिया ताकि लड़की ना हो पाए, इस वजह से जो है इस पर रोक लग गया है, ठीक है। तो एमनियोसेंटेसिस जो है अब नहीं करने देते डॉक्टर वगैरह, लिखते ही नहीं, या अगर लिखते हैं तो पूरी जिम्मेदारी पर लिखते हैं कि वहां पे भ्रूण का परीक्षण ना हो सके। तो याद रखिएगा, ये वही विधि है जिसके द्वारा भ्रूण परीक्षण किया जा सकता था। लेकिन डॉक्टर लिखते भी हैं तो
किस वजह से लिखते हैं वो वजह जान लीजिए आप। अगर बच्चे में कोई मतलब रोग होने की संभावना हो, ठीक है, तो उस बच्चे को बचाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ताकि बच्चे में होने वाले रोग की जांच पड़ताल की जा सके और बच्चे के बारे में जाना जा सके, तो उसका स्वास्थ्य कैसा है या क्या नहीं। तो याद रखिए, गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं को पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न इससे भी संबंधित है, एमनियोसेंट्रेसिस यानी भ्रूण परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इसका प्रयोग भ्रूण के लिंग के चुनाव के लिए भी किया जाता था। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अच्छा भी है। अगला जरा, पुरुष में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या क्या होती है? तो याद रखिए, ये 23 जोड़ी होती है, ठीक है, जोड़े में होता है, 23 जोड़ी होती है, इसलिए अगर हम जोड़ी में अगर आंसर दिए तो आप 23 जोड़ी करिएगा, अदरवाइज फिर 46, ठीक है, अदरवाइज 46। नेक्स्ट देखिए, शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? तो याद रखिए, एक्स वाई और एक्स एक्स, ये सुना होगा आपने, तो इस पे जो है मेंडल ने अपने नियम भी दिए थे, तो याद रखिए वो पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, मतलब एक्स वाई पर निर्भर करता है। शिशु लिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? तो याद रखिए पिता पर, ठीक है। अगला है, मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व तो किसने किया था? ये एक परियोजना था, प्रोजेक्ट था मानव जीनोम के नाम से, और इसका नेतृत्व किया था क्रेट वेंगर और फ्रांसिस कालिंस ने, क्रेट वेंगर वेंटर और फ्रांसिस कालिंस, तो ऐसे नाम याद रखिए इनका। अगला दे रहा है, परख नली शिशु के संबंध में कौन सा तथ्य क्या है? तो परख नली शिशु के बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, जो जैसे मनुष्य में होता है शुक्राणु उनके वीर्य में, और महिलाओं में जो होता है वो अंडाणु बोला जाता है, ठीक है। तो उनका जो होता है ना, उसका निषेचन माता के शरीर से बाहर किया जाता है, तभी तो उसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, बाहर निषेचन करवा दिया जाता है, उसके बाद जो है इसको सीरिंज की सहायता से या किसी भी अन्य सहायता से इसको गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा कि निषेचन जो होता है वो माँ के शरीर से बाहर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? जो दूध होता है वो दही के रूप में जमता है, तो उसके जमने का कारण क्या है, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, बहुत काफी दिनों से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, लैक्टोबैसिलस बोला जाता है। लैक्टोबैसिलस एक्चुअली में एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, और इसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है, दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, लैक्टोबैसिलस के बारे में मैं आपको और भी बताना चाहूंगा, लैक्टोबैसिलस जो है ना, ये बैक्टीरिया तो है, दूध के दही में जमने का कारण है, बट एक चीज और बता दूं मैं आपको कि स्त्री की जो योनि होती है ये उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, और इसका बड़ा रोल भी, और मानव का जो आहार नाल होता है ना, इसमें भी इसकी मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की मात्रा, ठीक है। तो इस दोनों बात को याद रखिए, कई बार एग्जाम में जो है पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट होने की वजह से। अगला है, मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, हेल्मिथोलाजी बोला जाता है। कृमि मतलब कृमि, जैसे केचुआ क्या होता है, एक तरह का कृमि है, ठीक है। तो कुछ ऐसे परजीवी होते हैं जो ग्रसन पैदा करते हैं, उनके अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हेल्मिथोलाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेल्मिथोलाजी, ठीक है। आगे देखिए, लाल चींटियों में सॉरी नर मच्छर क्या करता है? अच्छा, नर मच्छर चीज के बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूंगा मैं। देखिए, हमारे शरीर में जो मच्छर काटता है, वो जो मच्छर होता है वो मादा मच्छर होती है। कौन सी होती है? मादा मच्छर होती है, ठीक है। लेकिन जो नर मच्छर होता है ना, ये किसी आदमी को नहीं काटता, ये फलों का रस चूसता है। मादा मच्छर जो होती है ये क्या करती है, ये खून पीती है, और खून में भी खासकर उन व्यक्तियों को ज्यादा मच्छर काटता है जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो वो सावधान हो जाए वो लोग, जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उसको मच्छर ज्यादा काटते हैं, ठीक है। अच्छा, मच्छरों से प्रॉब्लम क्या होती है? मच्छरों के बारे में एक लाइन आपको बताऊं, इस धरती पे अगर सबसे ज्यादा मनुष्यों की मृत्यु किसी जीव के वजह से हुई है तो उस जीव का नाम है मच्छर। ऐसा नहीं लगे जैसे बाहुबली चल रहा है, हा? उस जीव का नाम क्या है? मच्छर। इस धरती पर रहने वाला प्राणी जो है, मनुष्य जो है, वो सबसे ज्यादा मनुष्यों की मृत्यु किस जीव की वजह से हुई है? तो याद रखिए, मच्छरों की वजह से हुई, नर मच्छर नहीं, मतलब मच्छरों की वजह से हुई है। और मच्छर सबसे बड़ा जो काम करता है ना, वाहक होता है, ये जीवाणुओं का वाहक होता है, बैक्टीरिया का वाहक होता है, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाता है, और इसकी के वजह से रोग फैलता है, इसी की वजह से रोग फैलता है। तो याद रखिए, जो नर मच्छर होता है ये पौधों का रस पीता है, और इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हैं,
फिलहाल एक बात और याद रखिए, आइसलैंड और फ्रांस ये दो ऐसी जगह हैं जहां पर मच्छर नहीं पाए जाते, आइसलैंड और फ्रांस, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 1 सेकंड के अंदर अपने पंख को 500 बार फड़फड़ाता है, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, वो तो बाद में हम लोग बात कर सकते हैं। अगला है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लाल चींटियों के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इनके अंदर पाया जाता है दोस्तों फार्मिक अम्ल, जिसको फार्मिक एसिड भी बोलते हैं। यह एक तरह का कार्बनिक यौगिक होता है, और ऐसा नहीं कि केवल लाल चींटियों में पाया जाता है, शहद की जो ऊपर जो मक्खियां बैठती है ना उनमें हो गया, बिच्छू हो गया, या बर्रे, जानते हैं ना बर्रे, हाड़ा, नाम सुने ना बर्रे हाड़ा, तो ये जो होते हैं ना इनके डंक के अंदर भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तो अभी हमेशा से एक पेट क्वेश्चन बनता है यार कि कौन सा पाया जाता है अम्ल लाल चींटियों में, तो हम लोग रट लिए हैं कि यार फार्मिक अम्ल। लेकिन अभी कभी ये प्रश्न अगर बदलता है कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाते, मत होइएगा कंफ्यूज, याद रखिए कि उनके भी डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तमाम तरह के कीड़ों के काटने या डंक मारने पर थोड़ा अम्ल शरीर में प्रविष्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा शरीर क्या हो जाता है, फूल जाता है और दर्द करने लगता है। बहुत पहले जो लाल चींटियां थी ना, उन चींटियों के जो लैटिन नाम थे उनका नाम ही था फार्मिका, क्या बोला जाता था उनको, फार्मिका, और उसी फार्मिका की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, फार्मिक अम्ल पड़ गया, ठीक है। और अभी तो इसका उपयोग भी किया जाता है जैसे रंगाई करने में या चमड़ा में उद्योग में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम किस खोज से संबंधित है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इनका इनका नाम जो संबंधित है किससे है, तो मैंने आपको पढ़ाया था पेनिसिलिन की वजह से, पेनिसिलिन का खोज इन्होंने किया था। पेनिसिलिन को दोस्तों शॉर्टकट में पेन भी बोला जाता है, पेन पेन भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको पीसीएन भी बोला जाता है, पीसीएन एग्जाम में दे सकता है, पेनिसिलिन को पीसीएन इसका संक्षिप्त नाम है, तो कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात और इसके बारे में जानिए, मैंने बताया था आपको कि एक तरह का एंटीबायोटिक का समूह होता है, और इसकी उत्पत्ति जो है ये पेनिसिलियम नामक फंगी से हुआ है, फंगी, पेनिसिलियम नामक फंगी से हुआ है, इसीलिए इसका नाम पेनिसिलिन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रोग प्रतिरोधी दवा के रूप में काम करता है। किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं, किस वर्ग के जीव दोस्तों जल्दी प्रजनन करते हैं, आपको ये बताना है। तो याद रखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं उनका प्रजनन बहुत तेजी से होता है, क्यों, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव होता है। जीवाणु जो है ये क्या है, एक कोश के होता है, बहुत ज्यादा नहीं, मिलीमीटर में होते हैं, इनका आकार मिलीमीटर में होता है, लेकिन जो है बहुत जल्दी जो है प्रजनन करते हैं, बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए, अगला है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, चेचक का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, चेचक अभी तो उसको पूरा उस पर रोक पाया जा चुका है। शुरुआत में दोस्तों इस रोग के बारे में आपको बताऊं कि पहली बात तो ये वायरस से होता है, कोई बैक्टीरिया से नहीं संबंधित है, ये वायरस से होता है। और एक बात और याद रखिए, इसको भारत में स्पेशली बड़ी माता के नाम से जाना जाता है, ऐसे नहीं कि लोग बोलते हैं माता जी निकली हैं, ठीक है, बड़ी माता या शीतला माता के नाम से जाना जाता है इस चेचक जैसे रोग को, ठीक है। या अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, स्मॉल पॉक्स। इसमें क्या होता है, शरीर में फफोले पड़ जाते हैं, फफोले, और बहुत ही खतरनाक होता है, पूरे शरीर पे दाने दाने जैसे हो जाते हैं, और बहुत ही जलन होता है उसमें, बुखार तो पूछ ही नहीं सकते हैं कि कितने, मतलब वो हमेशा 100 का पारा ऊपर रहता है उससे। और सबसे प्राचीन अगर हम रोगों की बात करें तो उसमें भी आयुर्वेदिक जो आयुर्वेद के ग्रंथ है ना उसमें भी इसका वर्णन मिलता है, सबसे पुराना वर्णन मिलता है मिस्र में, एक पाया गया था 1200 ईसा पूर्व की एक ममी पाई गई थी, उस ममी पर जो है इस तरह के निशान मिले थे, तो लोगों ने उसे चेचक माना था, बाकी हर एक देशों में पाया गया, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, हालांकि अब इसे कंट्रोल कर लिया गया है और इसका टीका बना लिया गया है, टीका बनाने की वजह से इसको जो है पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया, एडवर्ड जेनर जो है इसके टीकाकरण का खोज किए थे, एडवर्ड जेनर, तो उनका नाम भी याद रखेगा। और ये जो टीका है उसमें समावेश क्या होता है, तो जीवित प्रतिरक्षियों का समावेश होता है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है, वो जो रोग है वो रुक जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अष्टभुज जिसको हम ऑक्टोपस बोलते हैं, या घोघा यानी स्नेल, या सीपिया और यूनियो, ये किस फाइलम में शामिल किए जाते हैं? तो अभी ये थोड़ा सा प्रश्न आपको हार्ड लगेगा कि किस फाइलम में शामिल किए जाते हैं, ये थोड़ा सा अटपटा प्रश्न है। देखो दोस्तों, जब हम लोग बात करेंगे जंतु वर्ग में या संघ के नाम में, जिसमें कार्डेटा वगैरह पढ़ा जाता है ना, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि हर एक जीव का अपना एक वर्ग है। तो इस तरह के जो जीव हैं, जैसे घोघा, सीपिया, यूनिया, अष्टभुज, ये जो जीव हैं,
इसको मोलास्का प्रजाति में रखा जाता है। इसकी प्रजाति का नाम क्या है? मोलास्का। मोलास्का एक तरह की प्रजाति है। और अगर हम बात करें इस धरती पर रहने वाले अकशेरुकी जंतुओं की, अकशेरुकी जंतुओं की, तो अकशेरुकी जंतुओं में दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है कौन? मोलास्का। दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति मानी जाती है मोलास्का। ठीक है, तो आप याद रखिएगा थोड़ा सा। अच्छा, इसके बाद है केचुआ के कितनी आंखें होती हैं? केचुआ के कितनी आंखें होती हैं? तो आपको पता ही होगा कि केचुआ के पास आंख ही नहीं होता है। ठीक है, यह केचुआ क्या होता है? एक तरह का कृमि होता है। कृमि मतलब कीड़ा होता है। और जो केचुआ है ना, इसके बारे में भी पूछ सकता है, ये किस संघ से बिलोंग करते हैं? जैसे मोलास्का से बिलोंग करते हैं, तो केचुआ किससे बिलोंग करता है? तो याद रखिएगा एनलिडा से बिलोंग करते हैं। ये कई बार पूछा है आपके एग्जाम में, एनलिडा संघ से बिलोंग करता है। ठीक है, एनलिडा संघ का सदस्य है केचुआ। और केचुआ जो होता है, इसके जो शरीर होते हैं ना, ये काइटिन से मिलकर बना होता है। कई बार पूछता है कि अच्छा काइटिन, याद रखिएगा काइटिन जो ऊपरी त्वचा होता है ना जीव जंतुओं को, वो काइटिन से बेसिकली बना होता है, इसके लिए बोलते हैं। फिलहाल केचुआ के पास कोई आंखें नहीं होती है। ठीक है, वह अपने शरीर को खिसका खिसका कर आगे बढ़ता है। एक तरह का कृमि है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने लगभग 15 से 20 प्रश्न आज कवर किए, और ये सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि बायोलॉजी का मैं 2-3 पार्ट आपको नहीं दे सकता तुरंत, क्योंकि ओवर हो जाएगा। याद रखना जरूरी होता है। जैसे जीएस में क्या है ना, 40-50 प्रश्न एक दिन में किया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा करते रहिए। और स्टडी 91 चैनल के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि ये एकमात्र ऐसा चैनल जहाँ सभी विषयों की मुफ्त क्लासेस अवेलेबल कराई जाती है। तो अगर आपको पढ़ना हो कोई भी सब्जेक्ट, तो आप प्लेलिस्ट में आ जाइए, और प्लेलिस्ट में आकर अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक नया चैनल चालू हुआ है जिसका नाम है एग्जाम ट्रेंड। ठीक है, एग्जाम ट्रेंड के बारे में आप सभी को पता होगा, और मैं कई बार से इसके बारे में बताता भी चल रहा हूँ आपको। एग्जाम ट्रेंड में दोस्तों ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे टॉपिक को लेके चल रहे हैं जो आपके बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग कवर तो कर रहे हैं, जैसे सब्जेक्टिव पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन खाली सब्जेक्टिव पार्ट को कवर करने से चीजें नहीं शामिल हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हम एग्जाम में हमारे क्या पूछ सकता है, उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने ये चीज शुरू किया। और इधर भी थोड़ा सा मेरा रूटीन गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, बहुत सारा काम है और आपको चीजें पता ही है, इस वजह से मैं आपको सही ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। और उस ये भी एक वजह थी एग्जाम ट्रेंड चैनल को चालू करने का। ठीक है, तो आप इसको भी प्रमोट करिए, जाके इस पे भी चीजें पढ़िए, और जितने भी प्रश्न इस पे बनते हैं उन सारे प्रश्नों को देखते चलिए। सब्जेक्टिव चीजों के अलावा प्रश्न जानना बहुत जरूरी है। तो प्लीज दोस्तों इस चैनल पे जरूर से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देख पाए। साथ ही साथ आपका तो फर्ज बनता है कि स्टडी 91 चैनल को आप प्रमोट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग देख पाए। साथ ही अगर आपके चैनल पे ऐड आता है, तो प्लीज दोस्तों उस ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत किया करिए। सिर्फ एक आपसे निवेदन है कि प्लीज ऐड को स्किप मत किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।